सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री हुएन सांग की किताबों में नालंदा महाविहार के बारे में लिखा है। पूरा विहार ईंटों की एक दीवार से घिरा था। इसका एक दरवाजा सीधे शिक्षा मंत्री केंद्र में खुलता था, जहां 8 बड़े हॉल में पढ़ाई होती थी। यहां गगनचुंबी 9 मंजिला पुस्तकालय भी था, जहां 90 लाख से ज़्यादा किताबें मौजूद थीं। इतिहासकारों का मानना है कि नालंदा इतना विशाल था कि हमलावरों के आग लगाने के बाद परिसर 3 महीने तक सुलगता रहा था। लेकिन सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा केंद्र को किसने चलाया। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी की नई इमारत का उद्घाटन किया, तो ये डिबेट फिर से शुरू हो गई। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। हालांकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि इसे 2 ब्राह्मणों ने चलाया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पिछले दिनों इससे जुड़े 1 लाख से ज्यादा पोस्ट किए गए।